या तो YouTube से ही सवाल कर रहा हूँ मैं यार, अबे क्या मसला है, मतलब हाउ डज इट वर्क, क्या सीन है, कैसे चलाते हैं अपने वीडियोस को। यार डाउनटाउन के पार्किंग में ख्वार हो रहा हूँ, मेरा जो असाइनमेंट है वो है 12:15 बजे और मैं यहाँ पहुँच गया 11 बजे। तो मैं कहा यार आधा घंटे पहले पहुँच जाऊँगा, ठीक है अपना सेटअप वगैरह कर लूँगा, इतनी जल्दी मैं नहीं जा रहा, तो मैं फिर मैं यहाँ पार्किंग लॉट में आ गया। चलो खैर बारह जो भी है, मिलते हैं अपने शूट के बाद। घर जा रहा हूँ, अभी घर में बैठ के एडिटिंग शुरू करूँगा। और मैं ये सोच रहा था यार, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी पिछले 2 महीने में वीडियो रोज़ बनाने में। अभी भी वही एक्साइटमेंट है, वही मज़ा है, मज़ा आ रहा है कि वीडियोस बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, फैमिली के साथ भी निकल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ ऑफ नॉट मेकिंग वीडियोस अंटिल अनलेस जहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या जहाँ मुझसे बस नहीं हो पा रहा और नींद मुझ पर इतनी गालिब हो गई है, मतलब इतना ज़्यादा मेरे सर पर नींद चढ़ गई कि मैं एडिट नहीं कर पा रहा। उसके अलावा आई हैव ज़ीरो एक्सक्यूज ऑफ नॉट टू अपलोड अ वीडियो एवरी सिंगल डे। और उसके बाद जब मैं व्यूज़ देखता हूँ एक दिन में या 2 दिन में 10 से 12, 15 व्यूज़, 17 व्यूज़, 20 व्यूज़ तक जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो वही चीज़ ना, मुझे बस कभी कभी होता है ना यार, यार ये चीज़ क्यों हो रही है या ये चीज़ क्यों हो रही है, ऐसे सवाल माइंड में आते हैं। तो ये भी एक सवाल माइंड में आ रहा है यार, व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे यार, मतलब क्या हो रहा है कि लोग नहीं देख रहे, या यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपको बता ही नहीं रहा कि कितने लोग देख रहे हैं आपके वीडियोस, मतलब वो सही नंबर्स नहीं दे रहा, ये क्या सीन है समझ नहीं आ रहा। वो यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम में अगर मैं डाल दूँ या मैं टिकटॉक में डाल दूँ अगर वही वीडियो या उससे मिलता जुलता वीडियो, उस वीडियो को छोटा सा करके डाल दूँ तो उसमें कम से कम 150-200 व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो पता नहीं यूट्यूब का क्या सीन है यार, क्या चीज़ें जो सही नहीं है, आई डोंट नो, ये चीज़ बड़ी अजीब हो रही है। बट आई जस्ट थॉट ऑफ आस्किंग यू गाइस कि यार क्या मसला है, या तो YouTube से ही सवाल कर रहा हूँ मैं यार, अबे क्या मसला है, मतलब हाउ डज इट वर्क, क्या सीन है, कैसे चलाते हैं अपने वीडियोस को, हाउ टू प्रोग्रेस बताओ तो हमें भी समझ आ जाएगा, हम भी वही करेंगे अगर चलने वाली चीज़ है, अगर नहीं चलता तो ठीक है ना चले। जहन में ये बातें चल रही थी और ये मैंने फैसला किया है कि जब जहन में जो बात चले, बजाय इसके कि यार नहीं नहीं इसको दिल में ही रखूँगा, नहीं नहीं बता दिया करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा सीन है जो मुझे नहीं पता वो बता दो। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, आज सुबह ही मैं अशोक से भी ये बात कर रहा था कि यार मैंने अपने फेसबुक में कभी स्टेटस डाले या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स किए या तो कुछ गलत बोल दिया, टाइपिंग एरर हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उस पर भी मुझे आज तक किसी ने कमेंट करके या अलग से मैसेज करके नहीं बताया कि यार अहमद तुमने यहाँ ये गलती कर दी। एक या दो दफ़ा हुआ है, मेरे एक दो दोस्तों ने, गिनती से मुझे याद है, एक दो दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, अहमद भाई यार ये जो था इसको ये नहीं ये कहते हैं, बस ग्रामर मिस्टेक नहीं, मतलब इस परिंदे को ये नहीं ये कहते हैं या इस जानवर को ये नहीं ये कहते हैं, बस। उसके अलावा भाई जब गलती कोई इंसान करता है ना उसको बताओ कि यार तुम ये कर रहे हो ये सही नहीं है, ठीक है, तो बंदा गलती सुधार देता है। ये सब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कई दफ़ा कई लोगों को नहीं बताता और आई हैव अ रीज़न, मैं अपना रीज़न बताता हूँ, हर किसी के पास अपना रीज़न होगा, मोस्ट प्रॉब्ली यही रीज़न होगा कि आई हैव अ रीज़न, आई ट्राइड कि मैं किसी को सही बताऊँ कि यार तुमने ये किया और वो उल्टा मुझ पर ही चढ़ गए, यार तुम्हें क्या पता, छोड़ो यार, मतलब वो थोड़ा सा मतलब नाराज़ हो गए। एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा से ज़्यादा ये सीन हुआ है, मतलब सोशल मीडिया में भी हुआ है, रियल लाइफ में भी हुआ है कि अगर हम किसी को बता देते हैं यार ये नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था या ये तुमने ऐसे नहीं ऐसे क्यों नहीं किया, उसमें लेने के देने पड़ गए यार, मतलब मुझे ही एंड में माफ़ी मांगनी पड़ी, भाई आई एम सॉरी गलती हो गई। तो हो सकता है ये भी रीज़न हो, बहरहाल ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी बात आ रही है कि यार आप ये करें तो वीडियो आपके चल पड़ेंगे या तो ये करें वीडियो आपके चल पड़ेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं मेरे वीडियो के क्या मकसद हैं। मेरे 2 से 3 मकसद हैं, ठीक है, एक शोइंग माय लाइफस्टाइल,
जितना मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। हर चीज नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन जितना मैं दिखा सकता हूँ मैं वो दिखाता हूँ, पहली बात। दूसरा, शुरू में प्रोफेशनल लाइफ, जितना मैं दिखा सकता हूँ, हर चीज नहीं दिखा सकता लेकिन जितना दिखा सकता हूँ। तीसरा, टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफी इन जनरल, या टॉकिंग अबाउट फोटो जर्नलिज्म, या टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, ओवरऑल टॉकिंग अबाउट फोटोग्राफी। और उसके अलावा चौथा, जब जहन में कोई टॉपिक आए या कोई बात आए वो बात कर लो। जैसे आज ये बात जहन में आई है तो मैं ये बात कर रहा हूँ। इट्स अ प्लेटफॉर्म बेसिकली टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो ये है तीन से चार बातें जो मेरे जहन में हैं, और भी शायद होंगी, अभी नहीं आ रही, लेकिन ये मोटी मोटी ये बातें हैं, ठीक है। एनीवेज, लंबी खिंच गई आज की, और दैट्स इट। दिस इज अहमद रमजान साइनिंग ऑफ। अंटिल देन टेक केयर, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मअ सलामा।